मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगरी निकाय का चुनाव कराया। आपके समय भी हुए थे, हाँ, क्या लगता है, क्या विचार है? कोई बुराई नहीं है इसमें कराने में, अच्छी बात है, हो रहे तो। हमारे टाइम पे भी यही हुआ था, और अगर भेजते तो हमने भी तो उस टाइम पूरा कार्यकाल अच्छे से किया था, पूरा सारे रोड वोड बनवाना करना, पूरा बेसमी ने तो रखा था, सारी सुधारणाएं तो नगर पालिका ने करी थी उस टाइम। वर्तमान समय में कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका के चुनाव करवाना निश्चित किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव की वो संविधान संशोधन हुआ है, पहले भी 20 साल पहले भी 99 में उसके पहले भी चुनाव हुए हैं, कोई नई बात नहीं है, संविधान में है प्रावधान, इसलिए हुआ है, इसलिए इसमें तो कोई किसी को आपत्ति की और उसकी कोई बात भी नहीं है, होना चाहिए, अच्छी बात है। इससे क्या फ़ायदा देखते हैं आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से अगर चुनाव होते हैं तो? अप्रत्यक्ष चुने हुए पार्षद आएंगे, अपना मनपसंद का अध्यक्ष चुनेंगे, जिससे कि पार्षद को और पार्षद के नगर पालिका को ज़्यादा से ज़्यादा काम की उम्मीद बढ़ेगी। नागरिकों को क्या लाभ इसमें ज़्यादा मिल सकता है जो प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं मिल पा रहा है? प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होने से उसमें यह है कि भाई पैसे वालों का बोला एक तरीके से होता था, जो हैं पैसे वाले नगर सेठ हैं वो अपने तरीके से गठजोड़ बनाकर कर लिया करते थे, हुआ करता था, तो उससे अच्छी प्रणाली में आर्थिक तरीके से जो संशोधन कर चुनाव होने जा रहा, इसको मैं भली भांति अच्छी तरीके से समझता हूँ, और इसमें पब्लिक का सबका भला होगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो नगर पालिका में कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं आप? यहाँ पर लंबे समय से बीजेपी काफी है, यहाँ पर ब्लॉक में तो अभी 3 चुनाव से चौथे चुनाव हो का भी आलंकन कर उसके रिजल्ट जो आया है बीजेपी के फेवर में आया है, बल्कि होशंगाबाद जिले का भी रिजल्ट कांग्रेस के खिलाफ आया है, पर अब 11 महीने से कमलनाथ सरकार बैठी है और इसने अच्छे काम का बीड़ा उठाया है, 50,000 का कर्जा माफ़ और आगे 2,00,000 का माफ़ होने जा रहा है, अभी कुछ अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने से बाकी 2,000-2,00,000 का कर्जा माफ़ सरकार हमारी सरकार कांग्रेस सरकार करने जा रही है, और आगे आने वाले नगर निगम नगर पालिका चुनाव में इसका नतीजा इसका रिजल्ट हमें समझ में आएगा और कांग्रेस के उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, और सिवनी मालवा में भी कांग्रेस में परिवर्तन की लहर का झुकाव दिख रहा है और वो आने वाले चुनाव में ठीक रहे। वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा रही है, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ने जो जल्दबाजी में निर्णय लिया है उस निर्णय से हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोगों का ये मानना था कि जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का स्वयं अधिकार लोकतंत्र में होना चाहिए, हालांकि पहले भी इस प्रणाली से चुनाव होते रहे जिनके कि सामान्यतः रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे, इसलिए काफ़ी विचार विमर्श और मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगरी निकायों में सीधे जनता को ये अधिकार दिए थे कि वो अपने प्रतिनिधि चुने और उसमें जनता अपना विश्वास व्यक्त करे और पूरे 5 साल निर्विघ्न रूप से वो अपने नगर का समुचित विकास करें, लेकिन कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। निश्चित ही कई बातें जो सामने आ रही हैं कि खरीद फरोख्त वाली व्यवस्था भी काफ़ी बल उसको मिलेगा और सामान्यतः नगरीय निकायों के संचालन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कांग्रेस को हार का डर लग रहा है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं? निश्चित ही यही बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के मन में थी कि नगरी क्षेत्रों में या हर जगह भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी लंबा चौड़ा जनाधार है, सामान्यतः हम देखें कि विधानसभा चुनाव में भी जो वोटों का मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक था, किन्हीं कारणों से 2-4 विधायकों के ऊंच नीच हो जाने की वजह से सत्ता कांग्रेस को मिली थी, उसी डर की वजह से
कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि हम हमारी सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग करके नगरीय निकायों में अपनी सत्ता कायम कर पाएंगे। वर्तमान समय में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नगरपालिका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। आप नगरपालिका अध्यक्ष हैं, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के इस डिसीजन को? मेरे हिसाब से ये निर्णय जो है ये पूर्ण रूप से गलत है। नगर का प्रथम नागरिक नागरिकों के द्वारा चुना जाना चाहिए। जब पार्षदों की दम पर अध्यक्ष बनेगा तो निश्चित रूप से जो अध्यक्ष एक निर्विवाद और विकास के काम कर सकता उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा और समय समय पर पार्षदों के कारण नगर पालिका में व्यवधान पैदा हुआ है, क्योंकि वो अध्यक्ष जो बना है वो पार्षदों के कारण बना है। पार्षद जब चाहें उसको हटा सकते हैं। पहले बिल्कुल सही था कि नगर पालिका को जनता शहर के अध्यक्ष चुनती थी और नगर पालिका की जनता को ही हटाने का उसको अधिकार था, इसलिए मैं इसको सही नहीं मानता। वर्तमान समय में राज्य सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से अब नगर पालिका चुनाव कराने वाली है, क्या लगता है, क्या सोचते हैं आपकी, क्या मानना है, अप्रत्यक्ष प्रणाली कैसी लगती है? मध्य प्रदेश शासन की नगरी चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत जो चुनाव कराना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार टोटली अवैधानिक है। राजनीतिक परिदृश्य में बड़े चुनाव में मध्य प्रदेश शासन की जाने की ताकत नहीं है, इस कारण से अपनी कमी को छुपाने के लिए मध्य प्रदेश शासन अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रणाली को लागू कर रहा है। इसके कारण काफ़ी विषमताएं आएंगी और खाली कुर्सी भरी कुर्सी के संबंध में जहाँ तक क्या है उसके बारे में भी अभी स्पष्ट नीति नहीं है कि सरकार की उसमें मंशा क्या रहेगी। और मैंने इसमें अध्यक्ष के अधिकारों के ऊपर भी अभी मैंने शंका के घेरे में है कि अध्यक्ष को कितने अधिकार कितने पावर रहेंगे, किस ढंग से वो पद से चलाएगा किस ढंग से नहीं चलाएगा ये अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड। मैंने अभी मैं सरकारी नीति स्पष्ट नहीं है और केवल ये समय को चुकाना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार कि समय पे चुनाव ना हो, हमें चुनाव में जाना ना पड़े, हमें हार का मुंह नहीं देखना पड़े, इसलिए किसी न किसी बहाने ये स्थानीय चुनाव को टाला जा रहा है। आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले हैं, तो आप क्या मानते हैं? क्या मतदाताओं को व्यक्तित्व चुनने का अवसर मिलेगा और ऐसे व्यक्तित्व जो उनके सुख दुख में काम आए और किसी भी तरीके से मतदाताओं के हित के साथ ही जुड़े रहें, स्वयं के हित के साथ में। क्या फ़ायदा इसमें ज़्यादा हो सकता है? इसमें मतदाताओं को काफ़ी फ़ायदा रहेगा। पहले केवल सिंबल के नाम पर ऐसे व्यक्तियों को पार्टियां खड़ी कर देती थी जो मतदाताओं की कसौटी में खड़े नहीं उतरते थे। अब उन व्यक्तियों को चुनने का अवसर प्राप्त होगा मतदाताओं को जो व्यक्तित्व वाले हैं, जो उनके सुख दुख में काम आएंगे और शासन की हर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिलाएंगे। बीजेपी का मानना है कि इससे खरीद फरोख्त तो बढ़ सकती है, तो आपका किस पार्टी का क्या मानना है इससे कोई मतलब है? ये तो समय बताएगा। क्या अभी खरीद फरोख्त नहीं होती है? बीजेपी का मानना ऐसा है तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से मतलब जनता को बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। वर्तमान समय में नगर पालिका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले हैं, क्या देखते हैं? प्रत्यक्ष प्रणाली ही बेहतर प्रणाली थी और अप्रत्यक्ष प्रणाली में जो है इसमें जो है पार्षदों का दबाव जो है अध्यक्ष के ऊपर बनेगा जिससे कि भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा मिलेगा, ये मेरी सोच है।